हेलो विवान, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और हम लोग 11वीं क्लास में जो आपका देख रहे हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हम लोग देख रहे थे। तो कल मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आपको बात करी थी। तो कल मैंने आपको भूपर्पटी, आपका मेंटल और कोर और एथनोस्फेयर के बारे में आपको बताया था। मैंने कहा था कि तीन आपकी पृथ्वी की लेयर मिलती है, तीनों को मैंने आपको बताया, समझाने का प्रयास किया। यहाँ तक अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप उसे पूछ सकते हैं। देख लिया, चलिए आगे बढ़ जाए। यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी मेंटल को लेकर कि मेंटल क्या है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट, करोड़ क्या है, करोड़ से संबंधित, चलिए करोड़ अगर आपको पूछना है पूछ सकते हैं। पृथ्वी का निचला सबसे भारी भाग है और मैंने बताया हम करोड़ को दो भाग में पढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले बताया ये करोड़ है, इसको भी हमने बोल दिया अपर लेयर और इसकी आपकी लोअर लेयर के रूप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। चलिए अब थोड़ा सा हम बात करेंगे ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल। देखिए होता क्या है, जब भी कोई आपका ज्वालामुखी निकलता है या उसका उद्गार होता है, तो पहली बात तो आप ज्वालामुखी का फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ चुके हैं। वापस मैं फिर भी एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए कंडीशन तो बहुत अलग होती है। ये है आपकी पृथ्वी, ये थोड़ा कटिंग मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि ये थोड़ी यहाँ पर होते हैं वो आपके पर्वत पठार, यहाँ पर थोड़ी ऊंची और मोटी हमको दिखाई देती है। अब देखिए ये हमने बता दिया कि भाई इतने ऐसे पार्ट पर ये जो पार्ट है ये है क्रस्ट का पार्ट, ठीक। ये क्या है आपका क्रस्ट है और ये है आपका मेंटल। अब मेंटल का मतलब पागल नहीं है, यहां से ध्यान रखना है, ये मेंटल है और ये है इसके नीचे जो आपका भाग बचा है ये है कोर या ऑब्लिक क्रोड। क्या है? क्रोड। इसको भी दो भाग में देखा, अपर और लोअर, याद रहेगा अपर और लोअर। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि भूपर्पटी के नीचे और मेंटल का जो ऊपरी भाग है इस वाले भाग को कहते हैं एथनोस्फेयर, दुर्बल मंडल। यहाँ पर एथनोस्फेयर आपका दुर्बल मंडल जो है देखने के लिए बेसिकली मिलता है। क्या मिलता है? दुर्बल मंडल आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक। और जितना भी इसके नीचे आपका लिक्विड सॉरी हार्ड फॉर्म में है, ये आपका कैसा है? हार्ड फॉर्म में, ये भी हार्ड फॉर्म में, और ये हार्ड है, ये आपका लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। जब भी कोई हलचल होती है तो कोई भी पदार्थ या कोई भी ऐसा जो आपका प्रेशर लगता है, कोई भी प्लेट यहाँ आकर आपका क्या होती है, पिघल जाती है और ऊपर आती है और इस तरह से आकर आपका मैग्मा के रूप में आपका जमा हो जाता है। इस तरह से जो लावा है वो बाहर निकलता है। आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से क्या निकलता है, ज्वालामुखी से गैस, राख और तरल चट्टानीय पदार्थ लावा पृथ्वी की धरातल पर पहुंचता है। तो ध्यान रखना केवल लावा ही नहीं निकलता ज्वालामुखी, सबसे ज्यादा निकलती है गैस, गैस के बाद जलवाष्प, जलवाष्प के बाद राख और राख के बाद क्या निकलता है, तरल चट्टानी पदार्थ जिसको हम मैग्मा या लावा कहते हैं। यह है मैग्मा, बाहर आके लावा अंदर, ठीक, ये निकलता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तब ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। मान लीजिए अगर कोई आप निकलते हुए ज्वालामुखी को देख लें जिसमें उद्गार अभी भी हो रहा है, उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो। क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि एक्टिव वॉल्केनो कहा जाता है। तरल चट्टानीय पदार्थ दुर्बल मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में होता है तब यह मैग्मा कहलाता है, यानी कि जब कहां पर है, ऊपरी भाग में, मेंटल का ऊपरी भाग। समझने का प्रयास कीजिए, बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये हमारी क्रस्ट हो गई, ठीक, ये पूरा मेंटल है, इस वाले भाग की बात कर, जब तक इसके अंदर है तब ये क्या है, मैग्मा है,
और जैसे ही ये भार आ जाएगा भूपटल पर, जो हमारी क्रस्ट वाले भाग जब यहाँ आकर ऊपर आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, यह रंध्र पर पहुंचता है तो यह लावा कहलाता है। ये क्या हो जाता है फिर, आपका लावा बन जाता है। पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह में जमे हुए टुकड़े मालवा, बमबारी, राख, गैस, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन शामिल है। ये कैसे हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपका शामिल है। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गण किया गया है। जिस प्रकार से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, निकलता है, उसकी प्रकृति और उसके धरातल पर विकसित, प्रकृति मतलब किस तरह से निकल रहा है, एकदम ब्लास्ट होकर निकला है, धीरे धीरे निकला है, पहाड़ में निकला है, पर्वत में निकला है, उसके बाद आकृति कैसी बनी है, ये सारी चीज दिखाई गई। ठीक। और कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक। जैसे एक ज्वालामुखी है, आपका ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछते हैं बहुत बार परीक्षाओं में, सील्ड ज्वालामुखी, सील्ड वोल्केनो। तो इन सब सील्ड वगैरह से आगे बढ़ने से पहले एक बार ज्वालामुखी का बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए कि आखिर में ज्वालामुखी है क्या। चलिए, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि वोल्केनो किसको कहते हैं। देख लीजिए, एक बार देख लिया, या तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं सील्ड ज्वालामुखी। सील्ड ज्वालामुखी यानी कि बेसाल्ट प्रभाव को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी सील्ड सबसे विशाल हैं। कैसे हैं? बेसाल्ट, ये लावा के प्रकार होता है। एक लावा होता है अम्लीय, एक होता है क्षारीय। तो उसी के आधार पर हम कहते हैं कि कोई बेसाल्ट है या किस आधार पर है। तो छोड़कर बाकी सब सील्ड सबसे विशाल विशाल है। सील्ड मतलब होता है आपका अम्लीय टाइप में होता है, पानी का लिसलिसा सा दूर क्षेत्र पर फैल जाता है। सील्ड आपका पहाड़ जैसा जम जाता है। ठीक है, पहाड़ जैसा आपको जम जाता है, उसको सील्ड कहते हैं। हवाई द्वीप पर ज्वालामुखी इससे सबसे अच्छा उदाहरण है। ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावाओं को ठंडे होने से बने हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत सरल होता है, इसी कारण ज्वालामुखी का ढाल तीव्र नहीं होता। किसी तरह से निकासी नली से पानी भीतर चला जाता है और ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। अब मान लीजिए आपकी लेयर बनी हुई है, इसमें किसी जब आपके रंध्र के माध्यम से एथोनेस्पर तक पहुंच गया और यहां से ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट होकर आपका लावा या ज्वालामुखी इस तरीके से बाहर निकल जाता है। कम विस्फोट होना इसकी विशेषता है। इन ज्वालामुखी में लावा फुहारे के रूप में बाहर आता है। कैसे? फुहारे के रूप में। आप देखते होंगे हल्की हल्की छींटे टाइप में आती है ना, इस तरीके से, तो इस तरीके के रूप में बाहर आता है। और निकास पर एक शंकु यानी कि कौन बनता है, जो सिलेंडर शंकु आपका सिलेंडर कौन के रूप में विकसित होता है। कैसा होता है? सिलेंडर कौन के रूप। ये देखिए, ये है सिलेंडर कौन। मैं आपको सील्ड भी दिखाऊं, इस तरीके से आपको ज्वालामुखी दिखाई दे। देख लिया। चलिए, दूसरा हमको देखना है सील्ड। सील्ड तो हमने पूरा सील ही कर रखा है। चलिए दिखाते हैं, इस तरीके का बनता है। ये देखिए, इस तरीके से आपको उद्गार दिखाई देगा और ये पास में ही आपका जम जाएगा, जबकि जो आपका बेसाल्टिक होता है वो बहुत दूर तक चला जाता है। ठीक, यानी कि इसमें सिल्का की परसेंटेज ज्यादा होती है। ठीक, जो सील्ड होते हैं, सॉरी, सील्ड में कम होती है और जो बेसाल्टिक होते हैं वो आपके जम जाते हैं। चलिए देख लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक है मिक्स्ड वॉल्केनो। इन ज्वालामुखी में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान यानी के गाढ़ा और चिपचिपा लावा उद्गार होता है। प्राय ज्वालामुखी भीषण विस्फोट होता है। इसमें लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वालामुखीय पदार्थ व राख पहुंचती है और नली आपकी विकसित होती है। कैसी होती है ये नली? विकसित होती है के आसपास की परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके कारण आपका मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में देखते हैं।
ज्वालामुखी कुंड, अब इसके बाद है ज्वालामुखी कुंड, किसको कहेंगे ज्वालामुखी कुंड? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है, जो आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इसमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनने की बजाय स्वयं नीचे धस जाते हैं। कैसे होते हैं? बनना था ऊंचा लेकिन धस गए नीचे की तरफ। धसे हुए विध्वंस गर्त को लावा के गिरने से गड्ढा बन जाता है, यही ज्वालामुखी कुंड कहलाता है। अब देखिए, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा था, ये कहाँ होना था? ऊपर की तरफ। लेकिन स्थिति ये हुई कि ये कहाँ बैठ गया? नीचे की तरफ, और ये इस तरीके से खड़े हो गए कॉर्नर। तो कहाँ बना? यहां पर आपका बन गया। तो ये आपको अंतर क्लियर होना चाहिए। यह विस्फोट बताता है कि इनमें लावा प्रदान करने वाली गैस के भंडार न केवल विशाल हैं, वरन इनमें बहुत सारे इनके प्रभाव से विकसित पहाड़ियां मिश्रित ज्वालामुखी ही प्रतीत होता है। ठीक, अगला है बेसाल्ट प्रभाव। ये ज्वालामुखी अधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलते हैं। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर में घने प्रभाव में ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह अनुक्रमित होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर की भी अधिक पाए जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्षिण ट्रैप, जिसकी वर्तमान महाराष्ट्र पठार ज्यादा भाग में पाया जाता है, बृहद बेसाल्टिक लावा क्षेत्र है। ऐसा विश्वास है, किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक विश्व क्षेत्र है। ठीक, कैसा है? एक आपका बहुत बड़ा क्षेत्र है। मध्य कटक ज्वालामुखी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। यह ज्वालामुखी उद्गार महासागरों में होता है। महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो आपका 70,000 किमी वर्ग किलोमीटर से अधिक लंबी है, जो सभी महासागरीय बेसिन, बेसिन मतलब होता है महासागर की जो तली होती है, ये उनका क्षेत्र, उसको बेसिन कहते हैं। इस कटक के मध्य कटक से भाग लेकर उद्गार होता है। आप अगले अध्याय में इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि आपका मध्य अटलांटिक कटक, मिड ऑशियन ट्रंच क्या होता है। आप इसको नेक्स्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से पढ़ सकेंगे और इसको देख भी सकेंगे। क्लियर है? तो ये था ज्वालामुखी के टाइप्स, और उसके बाद कुछ ज्वालामुखी जो है आप पृथ्वी के अंदर ही रह जाते हैं, उनको भी हम लोग आपका देखेंगे। तो मिश्रित ज्वालामुखी कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे। चलिए देख लिया, आगे बढ़ जाए। ज्वालामुखी आकृति, और ये बेसिकली है लैंडफॉर्म्स की है, ये तो वॉल्केनो लैंडफॉर्म। और बात करेंगे अंतर्भेदीय आकृति, यानी कि होता क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, तो जब ज्वालामुखी निकलती है तो इस तरीके से बाहर आती है। बहुत बार क्या होती है, ज्वालामुखी भीतर ही रह जाती है। ठीक, और अलग अलग आकृति के रूप में हमको वो आपका दिखाई देती है। और जब आपका ज्वालामुखी, या आप कह सकते हैं जब जो आपका मैग्मा पृथ्वी की ऊपरी परत को तोड़ने में आप सक्षम रह जाता है, या बीच में ही रुककर वहीं जम जाता है, उसी को कहते हैं अंदर अंतःभेदी आकृतियां। तो उन्हीं को हम लोग देखेंगे और उन्हीं पर हम लोग आपको बात भी करने वाले हैं और इनको गौर कर कर देखेंगे। ठीक, सबसे पहले आप इसमें अच्छे से देखिए, ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकल रहा है उसे ठंडा होने से आग्नेय सेल बनती है। तो सबसे पहले एक चीज हमें क्लियर होगी कि जो आग्नेय सेल है, इग्नियस रॉक्स है, वो किसकी बनी है? लावे की बनी है। तो इसलिए हमने इनका नाम क्या रखा है? इग्नियस रॉक। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई पापे इग्नियस रॉक्स किस चीज की बनी हुई है, तो बेसिकली इग्नियस रॉक्स किसकी बनी है आपका, तो हमको ध्यान देना है इग्नियस रॉक्स हमको इसी की बनी है, लावे की बनी है। लावा जमा होता है तो धरातल पर पहुंचता है, या धरातल पर पहुंचने से पहले भूपटल के नीचे सहलों में हो जाता है। ठीक, और आपका इस तरीके से ठंडा होता है। लावा के ठंडा होने पर एक स्थान से अग्नि और जाने पर आग्नेय सेल का निर्माण वर्गीकृत किया गया है। ज्वालामुखी सेल जब लावा धरातल पर पहुंचता है तो ठंडा हो जाता है,
और पतली है यानी कि प्लेट्यू जैसे शैल लावा धारण होकर ठंडा होकर जम जाता है। लावा भूपटल के भीतर ठंडा हो जाता है और कई आकृतियां बनती हैं। ये आकृतियां अंतर्भेदी आकृति यानी कि इंटरवर्सिस फॉर्म कहलाती हैं। कुछ चित्र हमको दिखाए गए हैं यानी कि सिंपल सा मतलब है, जब पृथ्वी के अंदर से आपका लावा निकल रहा होता है, मैग्मा निकल रहा होता है, बाहर ना आकर जब अंदर अलग अलग आकृति अलग अलग शेप में बन जाता है तो उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले ये इमेज आपको बहुत हेल्प करेगी इस चीज को समझने के लिए, तो इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और इसको ना देखें, ठीक, और ऐसा ना सोचे कि हमको नहीं आ रही है, ये हमको इसके अंतर्गत सब चीजें इसमें। चलिए अब देखिए, एक ज्वालामुखी इस तरीके से निकला और नहीं पार कर पाया और इस आकृति में आपका जम गया। एक आकृति इस तरह से निकली और इस तरह से जम गया, एक इस तरह से आया और इस तरह से जम गया, और ये अगर फूट के बाहर आ जाता और इस तरीके से बनता तो ये बाहर की कंडीशन, ये बेसिकली लेयर जो है बाहर की है। जो पृथ्वी के अंदर जम गए कुछ इस तरीके से, कुछ अलग फॉर्म में, कुछ दस्त्रीनुकार चेम में, कुछ इस तरह से, तो उसी के आधार पर इनका अलग अलग नाम का अलग अलग रूप में इनका वर्गीकरण किया गया है। किसी को कुछ कहा गया है, किसी को कुछ कहा गया है। हो सके तो एक बार ये चित्र बनाने की कोशिश करिए ताकि जब आप रिविजन करें तो रिविजन के समय आपको ये चित्र देखकर आपको क्लियर हो जाए। देखिए ये तो है पृथ्वी के अंदर की स्थिति। जब बाहर निकलता है तो कुछ इस तरीके से निकलता है, कुछ बाप का सिलेंडर नुमा निकलता है, कुछ गोल निकलता है, देख रहे हो, विकृति के आधार पर कुछ इस तरीके से सिलेंडर बनता है। तो ये सब नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये कंडीशन है, ठीक, और अगर ये नहीं निकलते तब ये वाली कंडीशन बनती है जब पृथ्वी के अंदर, और जब ये जम जाता है पूरा तो यही बनती है इग्नियस रॉक्स, अग्नि चट्टाने, ये आपके जमा हुआ जो लेयर है इसी को बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। चलिए तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपने देखा, बाकी जो इसके अंदर की आकृतियां उनको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।